Good morning, childrens. Today we will be going out with a new chapter. But before that, we will see which chapter we have learned and read. First chapter is Introduction of Computer and second part of a computer, parts of a computer. And third chapter, today we will learn How does a computer work? पुराने चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और आज के चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है. ओके, ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर कभी भी अपने आप से काम नहीं करता है. इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. There are certain steps that a computer follows to perform a task. हमको उसको कुछ instructions देनी पड़ती है जिसकी help से वो अपने task को perform करता है. Before we have learned about the working of a computer, let's learn how some learn about some terms related to it. Okay? IPO cycle, right? Input, process, output. It's called IPO cycle. The input process output IPO cycle is a system that consists of input, output, and the steps required to change the output into output. Okay. The components of the IPO cycle are describing below. Input. इनपुट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड आई. इज अ फुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन आइडिया और रिसोर्स गिवन. इसको हम बोल सकते हैं कि ये वो इनपुट हमारा वो होता है जो हम रिसोर्स देते हैं. गिवन होता है जो हमारे पास रिसोर्स गिवन होता है, आइडिया होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसके बिहाफ पर हम इनपुट कर सकते हैं कलेक्ट अपना. प्रोसेस, प्रोसेस कॉल्ड पी. Action performed to change input into output. Process का मतलब होता है जो हमारे पास input है उसको output तक convert करने में जो बीच का समय होता है, जो उस पर work हो रहा होता है, वो होता है process. Okay? And third is output. Outputs it called O. The result of processing. Processing के बाद का जो result होता है is called output. ओके, वी हैव गिवन इनपुट टू ए मशीन. हम अपने मशीन को कुछ इनपुट देते हैं. द मशीन प्रोसेस द इनपुट एंड गिव द आउटपुट. मशीन उस इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो वो देता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट. द इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ ऑफ द अबव एक्टिविटी इज एज फॉलो. First input, second process and third output. Washing machine. Washing machine के लिए हम क्या करते हैं, पहले dirty clothes लेते हैं and detergent लेते हैं. तो ये हमारा क्या हुआ, input. क्योंकि हम machine को काम करने के लिए अपना पहले input तो हमें देना पड़ेगा ना, तभी तो वो washing machine काम करेगा. ठीक है, dirty clothes और detergent हमारा क्या हो गया, input. एंड उससे आगे जब प्रोसेसिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन में जब वो कपड़े धुल रहे होते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्रोसेस. ओके, जब वो धुलने का जितना भी समय होता है वो होता है प्रोसेस. उसके बाद जब वो मशीन क्लीन कपड़े निकालता है तो इट्स कॉल्ड अ आउटपुट. क्योंकि उसने पहले हमारे पास गंदे कपड़े थे, इट्स कॉल्ड इनपुट. हमने उसे धोने के लिए डिटर्जेंट और पानी के साथ वॉशिंग मशीन में डाला तो इट्स कॉल्ड प्रोसेस, कि वो काम करेगा. ठीक है, एंड देन जब हमें क्लीन कपड़े मिले इट्स कॉल्ड आउटपुट. ओके, सेम लाइक नेक्स्ट एग्जांपल टोस्टर. रोज स्लाइस ऑफ ब्रेड, हमारे पास ब्रेड्स की कुछ स्लाइस हैं जो कच्ची हैं. ठीक है, उसको हम टोस्टर में डालेंगे ग्रिल करने के लिए, ग्रिलिंग ऑफ ब्रेड. ठीक है, एंड देन जब वो प्रिपेयर होकर टोस्ट में कन्वर्ट होगा इट्स कॉल्ड आउटपुट. तो रोज स्लाइस हुआ इनपुट, टोस्टर में डाला
प्रोसेस, वो जितना भी समय लिया प्रोसेस, एंड देन जो हमें टोस्ट मिला वो हो गया आउटपुट. सेम लाइक जूसर, रॉ ऑरेंजेस फ्लिक्स, आपने ऑरेंजेस के कुछ फ्लिक्स ली, इनपुट जूसर में डाला, आउटपुट. एंड देन उसी तरीके से फिर जब वो जूस निकल कर आया वो हमारा हो गया आउटपुट. ओके, लाइक अ पेंसिल. आपके पास एक पेंसिल है जिसकी निब नहीं बनी हुई है, आप उस पेंसिल को लेके शार्पनर में डालोगे. पेंसिल हुआ इनपुट, शार्पनर में डाला, उनको शार्प करने के लिए यूज करा, रोल करा, जब वो निब बन के आई इट्स कॉल्ड आउटपुट. तो उसके बीच का जो समय था वो क्या हुआ, प्रोसेस. ओके, कंप्यूटर्स आईपीओ साइकिल. आप हमें समझेंगे, द कंप्यूटर इज ए मशीन टू. कंप्यूटर भी तो मशीन है, अपने आप से तो वो काम नहीं करता, उसको काम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. लाइक ऑल द अदर मशीन, सभी मशीन की तरह, जूसर, मिक्सी, कटर, सभी चीज की तरह वो भी एक मशीन है. इट्स फॉलो द आईपीओ साइकिल. ओके, इनपुट क्या होता है, पहले इनपुट पढ़ते हैं. वी कीप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड टू द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन कमांड देते हैं तो इट्स कॉल्ड इनपुट, इट इज कॉल्ड इनपुट. ओके, इनपुट डिवाइस आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू गिवन डाटा, गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर के पास भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उसको इनपुट देने के लिए हेल्प करते हैं. और वो पार्ट्स क्या होते हैं, देखो, कीबोर्ड एंड माउस आर टू इनपुट डिवाइस इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं. ओके, क्लियर. प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, सीपीयू. सीपीयू द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर डज द प्रोसेसिंग. जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का उसी के अंदर सारा प्रोसेसिंग होता है. इट टेक द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन. जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लेता है और डाटा लेता है. द प्रोसेसिंग द डाटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. जो भी हमने उसको अपने तरीके से इंस्ट्रक्शन दी है वो सीपीयू के मदद से होता है. इट्स कॉल्ड अ प्रोसेस पार्ट. ठीक है. थर्ड आउटपुट, द प्रोसेस रिजल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड द आउटपुट. ओके, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए उसके बाद जो प्रोसेस हुआ उसके बाद जो निकल के रिजल्ट आया इट्स कॉल्ड आउटपुट. ओके, दिस इज गिवन टू अस बाय द आउटपुट डिवाइस. द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज मॉनिटर. हमारा मेन आउटपुट डिवाइस जो होता है सिस्टम में, कंप्यूटर में, वो होता है मॉनिटर. बिकॉज इसके ऊपर ही हमारा सब आउटपुट हमें इसी से ही होता है. इस पे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है. लाइक मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है, मुझे ऐड करना है 10 प्लस 10. ठीक है, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी तो ये मेरा हो गया इनपुट 10 प्लस 10. वो प्रोसेसिंग कर रहा है उसको टोटल करने का, और उनने जब मुझे उसका रिजल्ट दिया इस कॉल्ड 20, वो हो गया हमारा आउटपुट. ओके, द अदर आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, द अदर आउटपुट डिवाइस आर प्रिंटर, स्पीकर, एक्सेट्रा. हमारा प्रिंटर, स्पीकर, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है. क्योंकि हम म्यूजिक सुनेंगे जब सिस्टम में तो साउंड किससे आएगी, स्पीकर से. तो साउंड हमें क्या दे रहा है, वो म्यूजिक स्पीकर से हमें साउंड मिल रहा है. तो इट्स अ स्पीकर आउटपुट डिवाइस. एंड प्रिंटर से प्रिंट निकल कर आया तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस. अब हम इसमें ये समझते हैं कि हम कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे करते हैं. क्लियर. स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रॉपरली यू मस्ट फॉलो द स्टेप गिवन बिलो इन द राइट मैनर. हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम प्रॉपर वे में स्टार्ट होगा. फर्स्ट, स्विच ऑन द मेन पावर बटन ऑन द पावर सप्लाई. जब हम स्विच के पास जाते हैं तो हमें स्विच में मेन बटन दिखता है, हमारा वायर वहां लगा होगा, हमें उसके साइड में बटन प्रेस करके ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आपको नीचे पिक्चर इमेज में भी दिखाया गया है. सेकंड, स्विच ऑन यूपीएस. हमें स्विच ऑन करने के बाद अपना यूपीएस स्टार्ट करना पड़ता है. ओके, थर्ड,
थर्ड है स्विच ऑन द मॉनिटर, फिर मॉनिटर में आपका एक स्टार्ट बटन होता है, आपको वहां से मॉनिटर को प्रेस करना होता है। ओके थर्ड, हाँ, एंड फोर्थ स्विच ऑन द सीपीयू, हमें फिर सीपीयू का बटन ऑन करना पड़ता है, एंड देन हमारा सिस्टम विल स्टार्ट। ओके नाउ वेट फॉर सम टाइम फॉर द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपेयर ऑन द कंप्यूटर। जैसे ही आपको इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके की इमेज जब तक स्टार्ट नहीं होगी प्रॉपर, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, एंड देन कंप्यूटर विल स्टार्ट। ओके नेक्स्ट, दिस इज स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर। इस तरीके की स्क्रीन जब ओपन होती है तो हम उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ओके कंप्यूटर पर जब ये स्क्रीन आपको दिखेगी तो हम बोलेंगे डेस्कटॉप। यू विल सी सम स्मॉल पिक्चर्स ऑन दिस स्क्रीन, दीज आर कॉल्ड द आइकन। जैसे कि आपको कुछ पिक्चर्स राइट साइड लेफ्ट साइड पर अपने दिख रही होंगी, राइट लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे आइकन्स, वो हमें बोलते हैं उसमें स्मॉल पिक्चर्स जो दिख रही हैं आइकन्स। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज द स्टार्ट बटन। इसके साइड में नीचे डेस्कटॉप के बॉटम में हमें स्टार्ट बटन दिखता है। इट इज यूज टू स्टार्ट और ओपनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ये हम स्टार्ट करते, हम हमारे को यूज होता है स्टार्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए प्रोग्राम्स को। ओके इट इज ऑल्सो यूज टू रिस्टार्ट और शट डाउन द कंप्यूटर। हम उसी बटन से इसको शट डाउन या रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके अब हम देखते हैं कंप्यूटर को किस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। शटिंग डाउन ए कंप्यूटर, टू शट डाउन ए कंप्यूटर फॉलोइंग स्टेप बोलो। ठीक है, यही स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे उसको बंद करने के लिए। सेव योर वर्क, क्लोज ऑल द ओपन विंडोज। आपको अपना काम जो आप कर रहे हो सबसे पहले उसको सेव करके फिर करना पड़ेगा क्लोज सभी विंडोज को, जो जो आपने ओपन कर रखी है आप सेव करते रहो एंड देन क्लोज करते रहो। ठीक है, देन सेकेंड क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। आपको स्टार्ट बटन पर जाना पड़ेगा टास्क बार में नीचे, फिर उसके बाद द स्टार्ट मेन्यू पॉप अप। आपको स्टार्ट मेन्यू जब क्लिक करोगे ना टास्क बार में स्टार्ट बटन, तो वो स्टार्ट मेन्यू ओपन होके आ जाएगा। वहीं पर आपको मेंशन होता है द शट डाउन बटन अपेयर ऑन द लोअर साइड, नीचे की साइड आपको वो शो होगा। कॉर्नर ऑफ दिस मेन्यू क्लिक ऑन दिस बटन शट डाउन मैसेज विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। ओके जब आप उस बटन को प्रेस करोगे तो शट डाउन का मैसेज ओपन होके आएगा। वेट फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा, द विंडो विल शट डाउन, जब तक वो बंद नहीं होता। नाउ स्विच ऑफ द मॉनिटर, स्विच ऑफ द, जब आपका मॉनिटर बंद हो जाए तो देन आपको यूपीएस बंद करना है। ओके एंड लास्ट में आपको मेन पावर सप्लाई स्विच जो था, जो हमने ऑन किया था, वो हमें बंद करना है, एंड कवर द मॉनिटर। आप अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हो फिर। थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।